बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भैन भरावान का की हाल चाल उम्मीद करनी तुम ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक का शुक्र है असं ठीक ठाक है। साड़ी दुआ कि जिते भी रहो खुश तो आबाद रहो हंसते रहो मुस्कुराते रहो। जो मेरा भैन भीरा बीमार है अल्लाह पाक उन्होंने शफा दे उन्होंने कारोबार बरकत तो रहमत ता फरमावे। जो भी रिजक अल्लाह पाक उन्होंने रिजक दे जो सख्ती मुसीबत अल्लाह पाक उन्होंने सख्ती मुसीबत दूर करे। अज का व्लॉग करने शुरू अल्लाह पाक का नाम लैके क्योंकि अज ना आखिरी जुमा साड़ी तरफ तो सब न मुबारक होवे क्योंकि माह रमजान का आखिरी जुमा रह गया। हाँ जी तो ना सहरी असी कर लीए शाजिया में क्योंकि रात की रोटी है तो सालन दाल दा असी सहरी कर ली तो हम बर्तन समेटन लगी हैं क्योंकि अजाना आ रही ने तो रोज़े का टाइम खत्म हो गया तो वजू करने नमाज पढ़ने जो किसी मेरे भैन भीरा की परेशानी है ना अल्लाह पाक उन्होंने दूर करे। जो किसी दे आस मुराद अल्लाह पाक उन्होंने दूर करे क्योंकि रोज़े रखन की अल्लाह पाक सारे तौफीक दी करे नमाज पढ़ने की अल्लाह पाक सब न तौफीक देवे सब दी अल्लाह परेशानियां दूर मंजूरता फरमावे क्योंकि 25 रोज़ आज हो गया है तो आखिरी जुमा है माह रमज़ान का। अगर नसीबा ने किसी होना है माह रमज़ान किसी होना है या नहीं तो बड़ा बरकत रहमत वाला महीना है बाकी 5 रोजे रह गए ने। अल्लाह पाक सारे मेरे भैन भरा हिम्मत देवे रोजे रखन दी अल्लाह पाक सानू ही रोजे रखन दी तौफीक देवे और हिम्मत ही देवे तो जो असी रख रहे हैं तो अल्लाह पाक सब नू भी रोजे रखन दी तौफीक देवे क्योंकि अगले साल किसे आना है किसे नहीं आना जिंदगी का तो कोई पता नहीं। ते ना मैं बर्तन समेट लवा क्योंकि सैर का टाइम शाजिया तो मैं चाह बनाई है क्योंकि थोड़ी जी चाह हाली पी भी है शाजिया तो मैं तो पी ली तो रख दें सुबह बच्चे पी ले सनैन तो सनैन दूसरे बच्चे बर्तन जड़े है ना वो समेट लेनी है। हाँ जी तो ना बर्तन समेट लेने सारे माशाला तो ना हूँ वजू करने नमाज पढ़ने क्योंकि अजाना भी आ रही ने डेरा भी हले काफ़ी ज़्यादा अजाना 5 मिनट सुन के तो फिर वजू करने तो नमाज पढ़ने नमाज की तैयारी करने अल्लाह पाक सारे पढ़ने तौफीक दी करे। हाँ जी तो ना नमाज का टाइम हो गया वजू कर लिया तो नमाज मैं पढ़न लगी हाँ या नमाज भी लैन दी तस्बीह भी क्योंकि नमाज पढ़ ली है 4 दिन जिंदगी है जिंदगी का कोई पता नहीं अल्लाह पाक बीमारों ने शफा देवे तो उन्होंने सदके अल्लाह पाक मैनू ही शफा देवे जो मेरी आ बीमारी है ना अल्लाह पाक ये भी दूर करे क्योंकि हाथों तो बड़ी तंग है हाथ बड़े दर्द करते ने अल्लाह पाक सख्ती मुसीबत दूर कर सी नमाज पढ़ने नमाज पढ़ के भैन भीरां दे हक विच भी दुआ मंगने तो अपने हक विच भी दुआ मंगने अल्लाह पाक साडी कबूल कर सी इस नेक मेहनत ना नमाज में पढ़ ली अल्लाह पाक सारे मेरे भैन भीरावान नमाज पढ़ने तौफीक दी करे। जो मैं भैन भीरावान के हक में दुआ मंगी अल्लाह पाक वो मेरी कबूल करे आदि बारगाही अल्लाह पाक जो मेरे किसी भैन भीरा दियाँ सख्तियाँ मुसीबत ने ना परेशानियाँ ने दूर करी अल्लाह पाक जितने मेरे भैन भीरावान ने रोज़े रखे ने उन्होंने रोज़े नमाज़ पढ़िया भी कबूलता फरमावे तो साड़ी भी अल्लाह पाक रोज़े रखे नमाज़ा पढ़िया कबूल करे तो जितने मेरे भैन भीरा उन्होंने अल्लाह पाक कबूल मंजूर ता फरमावे तो अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी करे भैन भीरावान की जो मैंने सपोर्ट दे रहे हैं जो सा चैनल वेख रहे हैं क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करनी है चैनल बनाने तो अल्लाह पाक अल्लाह जिंदगी कर अपने उन्होंने बंदियां की जो सा चैनल लाइक सबसक्राइब कर रहे हैं तो ना सानू कॉमेंट करके नहीं दसते साड़ी वीडियो किस तरह लगती है तो सानू ना कॉमेंट करके दस छड़ देना तो फिर साड़ा दिल भी खुश हो जाए भी साड़ी वीडियो अच्छी जा रही है तो अल्लाह पाक इन्हां दे बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती देवे तो बड़ी ज़्यादा मैं तो दुआवां मंगनी है इन्हां भैणां भीरां वास्ते तो अल्लाह के नेक बंदे ने जो सानू लाइक सबसक्राइब करते हैं तो इन्हां दी बड़ी बड़ी मेहरबानी तो इन्हां दा शुक्रिया इन्हां भैणां भीरां दा क्योंकि इन्हां दी भैणां भीरां दी वजह तो क्योंकि एक गरीब की हेल्प भी हो जाए तो कि इन्हों भैन भीरावान की वजह तो ना एक दिन कामयाब भी असी हो जाना इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हों मेरे भैन भीरावान सेहत और तंदुरुस्ती दी रखे आमीन आमीन। माशाल्लाह सुबह हो गई सूरज माशाल्लाह निकल रहा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा ही प्यारा होके
ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ सफाई कर लो क्योंकि बच्चे अंदर गन मार देंगे सुबह सुबह सफाई कर लो बच्चे अंदर कच्चे अंसर मैन ने यह भी मैं बाहर कट दी पी मैं चुग शुग लेसन सफाई कमरे की क्योंकि ना मिट्टी बड़ी उड़ी गट्टा गया कच्चा है ना हाँ कभी अल्लाह पाक सर इस लवा ले क्योंकि पट्टी होगी रह गई अल्लाह पाक बड़ी बमी कभी सफाई कर लगता ना काम करना हाँ जी तेना मैं सफाई कर ली सी अंदर भी क्या हूँ कर दी क्या बाहर तंदूर तू क्योंकि जेडे वे मूह इन्ह दे मिट्टी मैं इकट्ठी कर लेनी हूँ ये चार सफाई कर लो क्योंकि मेरे सारे टूर टोरे ना खाली ने ते सारे मिट्टी गोते थे लिंब ले सा माशाला सारे सफाई करके तंदूर की तुम तुम बहना फिरा वा थोड़े जी बाहर भी खा ले सौ हरियालियां भी मैं तंदूर की सफाई कर ली थी हूँ मैं बहन भी रवन बहर भी खावन जाऊँ फसल क्योंकि थोड़ा गना भी खा लो बहर आ गई फसल मैं बहन भी रवन थोड़ी ये भी खा लवान है तंबाकू है सारा तो गंदा मैगी तो यह भी सारी गंदा भी गंदा मैगी ज्यादा तो माशाला पक्की खली हूँ तो सामने मतीरे ने मतीरे भी दम जाके भी खाने नज़दीक हो के आ गई हूँ बहर फसल फुल लगे ने माशाल्लाह बड़े प्यारे मतीरियां ते सारे मतीरे ने ते होने लग सन क्योंकि लेट गडीजे ने ते विच रूह भी गड्डी है रूह दे बूटे ने सारे मतीरे ने ते मैं कहा मैं अपने ना बहना बिरावां नूं बाहर दे मौल फसलां भी खा लवां किस तरह हो रही ने ते इन्हां बहना बिरावां दा मेरे वास्ते बड़ा शुक्रिया जो इतना मैनू सपोर्ट दे रहे ने ना ते कोई उखियाई मेरे वास्ते बनदी क्योंकि मैं इन्हां नूं बाहर दे मौल भी खाए करां प्यास गड्ढे ने माशाल्लाह बाबा वड्डे वड्डे होए ने ते फुल भी लगे खले ने नाल फुलां भी बूटा हैगा आ ते मैं कहा मैं अपने बहना बिरावन बाहर हरियालियां बाहर माहौल भी खा लवां क्योंकि बड़ा इन्हां बहना बिरावन शुक्रिया जो तुम लाइक सबसक्राइब सानू कर रहे ने तुस अज कॉमेंट करके सानू लाजमी दसना है कि साड़ी वीडियो तुहानू किस तरह लग रही है बहना बिरावन नूं क्योंकि साडा दिल भी राजी होंदा कि सानू बहना बिरा दसन कॉमेंट करके लाजमी सारे शेयर करना कॉमेंट करके दसना सानू वीडियो करनी किस तरह लगी है तो इस तू अगे कोशिश कर सा अच्छी वीडियो बनाने की क्योंकि मैं एक जेनी हाँ तो नाल बच्चे ने अच्छी तो अच्छी वीडियो बना हूँ मैं जा रही हूँ घर अपने बहना बिरावान बहर का माहौल भी खा के माशाला प्याज ने क्योंकि नहीं भी जमीन होंगे ने मतीरे मैं जा रही हूँ घर मैं फिर दोबारे भी खा लव छोटा मैं लेंब ले मिट्टी डो लेनी